नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने भी जी के दिए गए हैं, सारे के सारे बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में। दूसरा सवाल है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में। तीसरा सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। चौथा सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी होगा, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहे तो मुख्यमंत्री सही आंसर है, दोनों में कोई भी हो सकता है। पांचवा सवाल है, वियना सम्मेलन कब पारित हुआ, यानी कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1815 ईस्वी में। छठा सवाल है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की को। सातवां सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1870 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1707 ईस्वी में। नौवा सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में। दसवां सवाल है, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। ग्यारहवां सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। बारहवां सवाल है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। तेरहवां सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रस्ट की। चौदहवां सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। पंद्रहवां सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल डायर। सोलहवां सवाल है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश और हैदर अली। सत्रहवां सवाल है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिक। अठारहवां सवाल है, किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में। उन्नीसवां सवाल है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 में। बीसवां सवाल है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत। 21वां सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। 22वां सवाल है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। 23वां सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। 24वां सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मातृशक्ति में। 25वां सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप आसानी से देख सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।